एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और मैं चाहता हूं कि एक छोटी छोटी वानगी हमारे सभी कवि मित्रों के अंत में शुभकामना संदेश के रूप में यहां पर हो। और इस क्रम में मैं अपने कवि मित्र श्री सत्यदेव हरियाणवी जी को बुलाना चाहता हूं कि वो 2 मिनट में अपनी बात कहने की कोशिश करें। और सभी से निवेदन की जोरदार तालियों से स्वागत करें सत्यदेव हरियाणवी जी का। जी स्वागत। के माध्यम से देश की बात कहता हूं। जी स्वागत। बिल्कुल साहब, रात की बात है, रात की बात है, घर में जो खाट सबसे ढीली थी वही मुझे सोने को मिली थी। वाह, अच्छा। नींद नहीं आई, कल्पना कविता में सो गई, अकस्मात मेरा सिर नीचे और टांग ऊपर को हो गई। हम घबराए, पत्नी जी हड़बड़ाई, लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आई। जी। फिर अपनी बटन सी आंख मलती हुई पत्नी जी बोली कि हे पति, तू भी कितना नादान मिला, क्या शीर शासन करने का यही स्थान मिला। हमने कहा, शीर शासन कौन कर रहा था, अपना तो मुकद्दर सो गया, खाट ढीली थी, अपने आप हो गया। खैर बात खत्म हुई, पत्नी जी ने हमें खटिया से निकाला और धरती पर आकर हमने अपना होश संभाला। और फिर सोचा, के खाट खड़ी कर दूं, लेकिन ख्याल आया, नहीं, क्या तेरी एक खाट का सवाल है, अरे आज तो घर की सभी खाटों का यही हाल है। वाह 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 वाह। अब तो तन से देश की बात देखी साहब, कि अब तो तन से मन से सच्ची लगन से, अब तो तन से मन से सच्ची लगन से, बातों से नहीं, कठोर परिश्रम और मजबूत हाथों से, प्यार की रस्सियां बटकर अनुशासन के दामन से खाट कसनी हो। तभी रात को सुख की नींद आएगी और वही खाट जो कभी ढीली थी अपनी मजबूत रस्सियों के साथ मुस्कुराएगी और कहेगी कि आजा मेरे मालिक, अपने श्रम की पहचान कर ले, बहुत थक गया है, कुछ विश्राम कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सत्यदेव हरियाणवी जी को, आप अपनी बहुत खूबसूरत कविता के साथ सुना। और इसी क्रम में मैं चाहता हूं कि हमारे सभी कवि अपने एक एक दो मुक्तक के माध्यम से देशवासियों को अपना शुभ संदेश, शुभकामना संदेश इस गणतंत्र पर्व पर दें। मैं आमंत्रित करता हूं अपने अनुज ब्रजेश द्विवेदी को कि वो 2 मुक्तक इस देशवासियों को समर्पित करें। हमारी देश की आजादी जो 68 सालों की यात्रा रही है, जी, बैंक के माध्यम से बताना चाहता हूँ वो यात्रा कैसी रही है। एक नेता जी धुलाई वाले के पास पहुँचे और बोले, मुझे धो दीजिए, मेरे चेहरे पर रंगत आए, ऐसा मुझे साफ कीजिए। वो बोला, माफ करना, मेरे देश के भाग्य विधाता, जनताई हितों के दाता, हम कपड़े धुलते हैं, किसी का चरित्र नहीं। माना कि दाग अच्छे हैं, लेकिन धुलाई के मामले में हम अभी बच्चे हैं। आप जनता के पास जाइए, अपनी इच्छा बताइए, आपका भला जरूर कर देगी और चुनाव आते ही आपको धो देगी। और चुनाव आते ही आपको धो देगी, लेकिन जनता के धोने के बाद भी दाग पूरी तरह नहीं जाएंगे। सच पूछे तो दाग वाले संस्कार अंतिम संस्कार के बाद ही जाएंगे। सच पूछिए तो दाग वाले संस्कार अंतिम संस्कार के बाद ही जाएंगे। एक 30 सेकंड का व्यंग आपके बीच में और रखता हूँ। एक नेताजी ने मुझसे पूछा, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, कैसी होती है अर्थव्यवस्था की माया। डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने से देश की अर्थव्यवस्था कैसे कमजोर हो सकती है। मैं जितना ही नीचे गिर रहा हूँ, मेरे घर की अर्थव्यवस्था उतनी ही ऊंची उठ रही है। इस देश की राजनीति का कमाल है, आजादी के 68 सालों का यही हाल है। अब राजा रामचंद्र नहीं है, ये राजा है, कलमाड़ी है, सुखराम है, जो जितना ही नीचे गिरा उसके उतने ही आराम है। चलिए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं अपने बड़े भाई श्री महेंद्र शर्मा जी को कि वो भी एक शुभकामना संदेश के रूप में अपने कुछ 1-2 मुक्तक यहां पर प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए महेंद्र शर्मा जी। मैं केवल एक ही मुक्तक देना चाहता हूं। जी स्वागत है, भाई दिया। वाह वाह वाह। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि कोख में ही कोमल कली का कत्ल हो ना सके, युद्ध ऐसी सामाजिक बुराई के विरुद्ध हो, द्रौपदी की लाज लूटने को जो बढ़ाए हाथ, दो दो हाथ ऐसे हाथ अताई के विरुद्ध हो। क्या बात है।
जनता की जेब काट ठाठ में उड़ाई जाए, जंग ऐसी लूट की कमाई के विरुद्ध हो, और राम पे लड़े कभी रहीम पे लड़े हम, काश ये लड़ाई महंगाई के विरुद्ध। वाह वाह वाह। अंत में कि कुछ तो करके दिखाओ किसी के लिए, कुछ तो करके दिखाओ किसी के लिए, हाथ गम से मिलाओ किसी के लिए, घर तुम्हारा उजालों से भर जाएगा, एक दिया तो जलाओ किसी के लिए। बहुत अच्छा। तो आइए और दिया जलाने के लिए भाई। हम इसी के साथ एक मुक्तक के माध्यम से इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा मैं, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, कि झुकने नहीं दी दस्तार जिन्होंने कभी भी हौसले के साथ हाथ शान से उठे रहे। क्या बात है। कि झुकने नहीं दी दस्तार जिन्होंने कभी भी हौसले के साथ हाथ शान से उठे रहे, और इतिहास की उदास घनी धुंधली सी और अलसाई भोर में बयान से उठे रहे, कि दुनिया की सारी विपरीत परिस्थितियों के सामने जो आंधी और तूफान से उठे रहे, कि सामने जो आंधी और तूफान से उठे रहे, कि नेताजी सुभाष चंद्र शेखर भगत जैसे कुछ सर सदा स्वाभिमान से उठे रहे, कुछ सर सदा स्वाभिमान से उठे रहे। इस उम्मीद के साथ कि आज की जो हमारी कविता की महफिल है आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी, हम आप सभी से इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।